नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ है निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव जी, और आज एक फिल्म के मुहूर्त पे आए हैं यहाँ पे आर्मी के। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसका एक बहुत बड़ा मान्य होता है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है हमारे देश में। आप इस फिल्म को करने जा रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं आर्मी के बारे में, और आर्मी को कितना बड़ा महत्व सिर्फ देश ही नहीं इंटरनेशनल कितना मिल रहा है? मुझे लगता है कि आर्मी जो है, जिसके बारे में हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, हमारे देश के जो रियल हीरो हैं वो आर्मी के जो जवान हैं वही हैं। और मेरा भी बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं, और इसलिए ही मैंने एनसीसी की ट्रेनिंग किया था। पढ़ाई के दौरान मैंने एनसीसी लिया ही इसलिए था कि मुझे आर्मी में जाना था, पर बदनसीबी से मेरी हाइट कम पड़ गई और मैं आर्मी में नहीं जा पाया। तो आर्मी में तो नहीं जा पाया, पर फिल्मों में जब आया तो मेरा ये सपना था कि मैं ऐसा किरदार निभा पाऊँ जो आर्मी के जवान हैं उनका किरदार। तो सच में आपने सही कहा कि जो आर्मी के जवान हैं वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में उनको रियल हीरो ही कहा जाता है, और सच में रियल हीरो तो वही होते हैं। आप आर्मी की फिल्म के ऊपर काम करने जा रहे हैं, और इसके पहले जैसे आपने कहा था आपने कई इंटरव्यू में कि आप जब कोलकाता में थे तो आपने वहाँ पे पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी ट्रेनिंग की थी जी। उस समय क्या, किस तरीके से आपको फील हुआ था, और एक जज्बा जो होता है आर्मी के प्रति किस तरीके से आपको दिखा था आगे चल के? मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब एक कहीं ना कहीं आज अगर मैं अपने सेट पे पंक्चुअल रहता हूँ और काम के प्रति मेरी जो निष्ठा है वो पूरी तरह से रहती है, तो उसमें आर्मी की भी बहुत बड़ी देन है। आर्मी के जो ऑफिसर थे उन लोगों ने हमें जब ट्रेनिंग दिया था तो समय का जो महत्व होता है वो सिखाया था उन्होंने कि कैसे, मतलब सुबह उठ करके हम पहले पीटी के लिए जाते थे, फिर ड्रिल के लिए जाते थे, और उसके बाद समय पर जो है सारा काम होता था, और अपने हाथ से सब कुछ करते थे। वो चाहे गार्डन का घास काटना है तो भी अपने हाथ से काटते थे, और खाना जो बनाना है वो भी हम लोग बनाते थे। रात को जब रखवारी करनी होती थी, ड्यूटी लगती थी, तो वो भी करते थे। तो पूरी आर्मी की जो ट्रेनिंग थी कहीं ना कहीं वो करके ही हम इतने मजबूत बने कि आज भी 100 फिल्म करने के बाद जज्बा उतना ही है कि अभी 100 फिल्म और भी करना होगा, तो हिलेंगे नहीं, ऐसा ही करते रहेंगे। निरहुआ जी, संघर्ष की अगर बात करूं मैं, तो जिस तरीके से छोटे गांव से आप निकलकर आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, तो कितना प्राउड फील होता है आपको? आप जैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से जब निकले थे, कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो आप बचपन में सपना देखते हैं, अगर वो सपना आपका साकार हो जाए तो खुशी होती है। तो जब आर्मी में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ तो दूसरा जो मेरा सबसे फेवरेट काम था वो था फिल्में देखना। फिल्में मैं बहुत देखता था, तो मैं ऐसा सोचता था कि फिल्मों में एक छोटा मोटा रोल भी मुझे अगर मिलेगा तो मेरा सौभाग्य होगा। और पहली फिल्म में मुझे एक छोटा सा ही रोल मिला था, पर वहीं से लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद देना शुरू किया कि मुझे मेन लीड करने का अवसर मिलने लगा फिल्मों में, और फिर मैंने लगातार 100 फिल्में कर ली। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जनता का आशीर्वाद, प्यार का नतीजा है, क्योंकि मैं किसी एंगल से हीरो तो था नहीं, ये मुझे भी पता था, पर जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं इतनी फिल्में कर पाया। निरहुआ जी, अगर बात करूं मैं फिल्म करियर की आपकी, तो कई रोल में आपको देखा गया है, जिसमें हीरो के तौर पे भी देखा गया, विलन के तौर पे देखा गया, और ये जो खास आपकी फिल्म है आर्मी, इसमें एक अलग क्या लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को इसमें ये देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ आर्मी नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, और जब भी बात आए देश की तो जो जहां है उसको वहीं अपने देश के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। यही इस फिल्म से हम मैसेज देंगे। आपकी आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में आप बताना चाहेंगे, जिससे आपके जो फैंस हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं? जी बिल्कुल, मेरी आने वाली फिल्मों में सबसे पहले है निरहुआ द लीडर, और उसके बाद गबरू तैयार है बन के, आई मिलन की रात बन के तैयार है, और एक अभी अभी मैं फिल्म करके आ रहा हूँ लखनऊ से, जिस फिल्म का नाम है जान लेबू का। तो ये सारी फिल्में हैं जो आएंगी अभी।
एक आखिरी क्वेश्चन, आर्मी में जो फिल्म आर्मी में आपका क्या किरदार होगा और किन किरदार में लोग आपको इस तरीके से देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एंटरटेन आप कर सकेंगे? आर्मी में मेरा जो किरदार है वो ये जिम्मेदार हिंदुस्तानी नागरिक का किरदार है कि एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी नागरिक कैसा होना चाहिए, ये किरदार लोगों को देखने के लिए मिलेगा आर्मी में। शुक्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। नमस्कार।